हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नू। ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा ताकि अपने भाई लोग जो हैं उनको समझ आ सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बिजी चल रहा था फार्म, तो अभी फिर रिसेंटली मेरे डे ऑफ थे। अब मैं डे ऑफ के बाद पहले दिन काम पे आया हूँ। तो आज की जॉब्स जो हैं, एफ्लुएंट शिफ्ट कर दिया है, मिल्किंग ऑलरेडी सुबह की कर ली है। आज एक जो चीज़ होने वाली है हमारे फार्म पे है वो है टेल स्कोरिंग होने वाली है। सो टेल स्कोरिंग जिनका नहीं पता है, जिनको नहीं पता, जो काफ़ी नई जो चीज़ अभी अभी शुरू हुई है न्यूजीलैंड में, इसका मिल्क प्रोडक्शन को लेकर कोई वो रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल वेलफेयर को लेकर है इस चीज़ का। तो अभी हम कर रहे हैं लीड विद प्राइड सिनले जो कंपनी है यहाँ की, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें ऑन द स्पॉट रखनी पड़ती है फार्म के लिए, तो इसीलिए ये टेल स्कोरिंग होगी आज। टेल स्कोरिंग में होगा क्या कि आज वो वेट्स जो आएंगे, हर एक गाय की जो पूछ चेक की जाएगी कि कहीं किसी को कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ के वर्कर्स ने की हो, जिससे कि जो गाय को है वो तकलीफ होती हो, तो इसीलिए इस चीज़ का यहाँ पे आज टेस्ट होगा। तो होपफुली सब कुछ ठीक होगा। जो इनका एक्सेप्टेबल रेट है कि अगर आपके पास 100 गाय हैं तो अगर 25 गाय की पूछ में कोई गड़बड़ी है या कुछ जैसे कुछ टूटा है या फ्रैक्चर है, माइनर फ्रैक्चर है, क्योंकि गाय की जो पूछ होती है जो टिप नीचे सबसे नीचे होती है वहाँ से टूटती बहुत जल्दी आसान है। अगर आप ऊपर चले जाएं जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से वो उनकी शुरू होती है पूछ, वहाँ पे टूटना काफ़ी वो होता है, हार्ड होता है। सो वो पूरी जैसे मतलब कि उसकी पूछ की वो करेंगे, चेक करेंगे, तो होपफुली इट गोज़ गुड। तो और दूसरी बात आज हम करेंगे जॉब कैसे ढूँढनी है न्यूजीलैंड डेयरी फार्मिंग में, और उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए किसी बंदे में अगर किसी ने ये जॉब करनी हो। सो लेट्स सी। ये पहुंच गए हम पैडक में, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हर्ड है, जो पहला ग्रुप है गाय का, इसमें 400 गाय हैं। तो इन गाय की आज होगी टेल स्कोरिंग, और सुबह की जो इनकी फीड थी 4 बजे से जो ये अपना घास जो है जो खा रही हैं इसमें आके, तो अभी इन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। तो 3 घंटे बाद इनका जो है मिल्किंग टाइम हो जाएगा। सो शेड में हम इनको लेकर जाएंगे। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सीवी पे है, बट जॉब पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ। जो गाय हैं, एक मिल्क सॉल्ट बनाने के लिए इनको खाना पड़ता है 6 kg ड्राई मैटर। अगेन ड्राई मैटर जो होता है 70% जो घास के में होता है वो पानी होता है, और जहाँ फिर लिक्विड होता है जो प्रोसेस नहीं करती हैं ये, और 30% जो एनर्जी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब करती हैं इनके स्टमक जो मिल्क में कन्वर्ट होता है। सो 6 kg इनको चाहिए, जिनकी मेटाबोलिजेबल एनर्जी ME 12 से ऊपर हो ग्रास की प्रोवाइडेड। तो 6 किलो में ये एक मिल्क सॉल्ट बना लेती हैं। एक मिल्क सॉल्ट का मतलब ऑन एवरेज 11 लीटर दूध। तो अभी ये कर रही हैं फॉर एग्जांपल 2 अगर मिल्क सॉल्ट कर रही हैं ये गाय, तो इनको चाहिए 6 और 6 12 kg इनको चाहिए ड्राई मैटर, और प्लस इनको मेंटेनेंस फीड चाहिए ऑलमोस्ट 6 किलोज। हम इनको मेंटेनेंस फीड देती हैं क्योंकि ये शेड तक चल के जाती है, इनकी एनर्जी जो बर्न होती है, और फॉर एग्जांपल अगर हॉट डे है तो इनको जो है एनर्जी जो ज़्यादा जो घासें लेती हैं अपनी बॉडी की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं रादर देन प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर किसी को देखना है कि गाय अगर भूखी है या उसको पूरी फीड मिली है कि नहीं, आप घंटे के हिसाब से उनको देख सकते हैं कि कितने आवर्स हो गए उनको पैरक में खेत में, और अगर तो घास बचा है नीचे, और आप हर एक घंटे के हिसाब से ये 2 किलो ड्राई मैटर खा सकती हैं, 2 से 3 किलो, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनको 3 घंटे हो चुके हैं और इनका घास ख़त्म हो गया है, तो 3 गुना 2 हो गए 6 किलो, इनको सिर्फ 6 किलो मिला है, और अगर घास ख़त्म हो गया तो आपको इनको और फीड करना पड़ेगा इनके मिल्क सॉल्ट के हिसाब से। अब लेकिन दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि ये 2 मिल्क सॉल्ट जो होते हैं इनके पूरे दिन के होते हैं,
तो अभी तो अगर आप सुबह की मिल्किंग के बाद देख रहे हो तो इनको 6 प्लस 9 किलो आसपास, 9 किलो के आसपास ही ड्राई मैटर चाहिए, क्योंकि 9 किलो को इनको चाहिए नाइट में। दूसरी चीज़ ये भी है कि नाइट में यहाँ पे फीड ज़्यादा भी करते हैं, क्योंकि मिल्किंग टाइम्स में थोड़ा फ़र्क होता है। सुबह की मिल्किंग और शाम की मिल्किंग में ऑलमोस्ट 7 आवर्स का डिफरेंस है, और रात की मिल्किंग और सुबह की मिल्किंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शाम को हम 5 बजे फिनिश कर देते हैं और सुबह 4 बजे, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का फ़र्क है इनकी मिल्किंग में। तो ये चीज़ है, ये है गाय अपनी, बाइक खड़ी है इधर फार्म की, अभी ऊपर बादल हो रखे हैं, होपफुली आज बारिश होगी। 3-4 दिन से काफ़ी जो मौसम है गर्मी वाला हो रखा था, तो आई होप आज थोड़ा ठंड है। यहाँ का वेदर का यही एक वो है चेंज है इंडिया से, कि जैसे बारिश होती है बिल्कुल ठंड पड़ जाती है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो। और बारिश यहाँ पे हर साल, कोई पैटर्न नहीं है कि पर्टिकुलर मौसम है कि इस महीने ज़्यादा बारिश होगी या विंटर्स में ज़्यादा बारिश होगी, तो यहाँ पे इतना ऐसा कुछ है नहीं ऐसा, तो पूरे साल, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में है न्यूजीलैंड, तो कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पे। हाँ जी, अपनी मिल्किंग जो है आज फिनिश हो चुकी है, ये दोपहर वाली जो थी तो अब हमारा दिन फिनिश हो चुका है। और ये वाली जो गायें हैं इनकी टेल स्कोरिंग आज हुई है, और टेल स्कोरिंग में ये पास हो चुके हैं पूरा हर्ड हमारा। तो अब हम जाएंगे लीड विद प्राइड के साथ, जो कि नया उनका प्रोग्राम है जिसमें थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं पर मिल्क सॉल्ट के हिसाब से, तो प्रीटी हैप्पी विद दैट। और अगले हफ्ते इनकी स्कैनिंग है, प्रेड टेस्ट, तो पता चलेगा कि कितना इनका 6 वीक इनका ऑफ रेट और ये सब कुछ पता चल जाएगा। सो रिज़ल्ट वीक नेक्स्ट वीक, सो होपफुली एवरीथिंग गोज़ गुड। सो फार अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है। तो गए हम क्राइस्टचर्च सिटी सेंटर में, अपना भाई नॉर्थ आयरलैंड से घूमने हुआ है राहुल गुप्ता, तो उसको घुमाने लेकर आए हैं। तो बात करते हैं, जो हमने वीडियो में बात करी थी कि न्यूजीलैंड डेयरी फार्मिंग में जॉब कैसे ढूंढनी है। सो सबसे पहले हमको बनानी पड़ेगी CV, तो उसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, आपको कैसा एक्सपीरियंस है और आपने अब तक क्या क्या स्टडी वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा, प्लस आपकी एज, नेशनैलिटी, वीज़ा कंडीशंस एंड एवरीथिंग। तो दूसरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आपको न्यूजीलैंड एक वेबसाइट है जहाँ पे डेयरी फार्म्स की जॉब्स एडवर्टाइज होती है, मेनली ट्रेडमी पे नहीं होती है इसकी जॉब्स एडवर्टाइज। तो जो वेबसाइट का नाम है उसका नाम है nzfarmsource.co.nz, तो आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करनी पड़ेगी, और आपको रीजन चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से रीजन में आपको जॉब चाहिए। सो सबसे बढ़िया इस टाइम पे जो टॉप रीजंस जहाँ पे आपको जॉब करनी चाहिए, मेरे हिसाब से पहले नंबर पे कैंटरबरी, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कैंटरबरी में जॉब करता हूँ, तो कैंटरबरी में जो यहाँ पे डेयरी फार्म्स है वो काफ़ी फ्लैट हैं, तो यहाँ पे जैसे पहाड़ वगैरह नहीं है। और दूसरा जो एरिया जो डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, शायद पहले नंबर पे है, वो वाइकाटो और हैमिल्टन साइड में है जो, तो डेयरी फार्मिंग में शायद वाइकाटो नंबर 1 पे है और कैंटरबरी नंबर 2 पे है। तो आई थिंक ये दो एरिया आपको चूज़ करने पड़ेंगे। और आपको कौन सी पोजीशन, अगर आप एंट्री लेवल पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो फार्म असिस्टेंट से शुरू करेगा, तो फार्म असिस्टेंट की जॉब आप जैसे आप रिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे जाके रिजल्ट्स की, आपको कौन सी जॉब चाहिए। आप अगर आपने 2IC हर्ड मैनेजर, असिस्टेंट हर्ड मैनेजर की जॉब्स पे अप्लाई किया, तो आपको प्रॉब्ली आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा कोई, तो वहाँ पे उसमें सब कुछ दिया होता है, काफ़ी सिंपल है, बस अपनी आपने वहाँ पे जाके प्रोफाइल डालनी है, प्रोफाइल बनानी है, और एम्प्लॉयर्स को आपका सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चली जाएगी। कई बार क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयर ज़्यादा ही डेस्परेट होता है तो आपको वो सीधा डायरेक्ट कॉल कर देता है, आपने अगर अप्लाई करी हो चाहे ना करी हो उसमें वो चीज़। हाँ जी, आगे बात करते हैं हम अब कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्म या कौन सी जॉब अच्छी है और कौन सी फार्म जॉब जो है थोड़ी आपके लिए हार्ड होने वाली है। तो न्यूजीलैंड में मेनली जो डेयरी फार्म्स हैं, जो शेड हैं, वो दो तरह की होती हैं, या तो हेरिंग बोन होगी या फिर रोटरी होगी। तो हेरिंग बोन जिसमें मैं काम करता हूँ, आप ऑलरेडी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि वो कैसी होती है, और रोटरी होती है कि आपको सिर्फ एक जगह खड़े रहना है, और जो गायें हैं जो अपने आप
प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती हैं और प्लेटफॉर्म रोटेट होता है, तो उसमें जो मिल्किंग करना है वो थोड़ा इजी होता है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे शेड्स के। लेकिन और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हर हर फार्म यहाँ पे सेम नहीं है। कोई छोटा फार्म है, कोई बड़ा फार्म है, किसी में 200 गाय हैं, किसी के 800 हैं, किसी में 1600 गाय वाले फार्म, 2000 2500 वाले भी फार्म हैं यहाँ पे, डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप देखा जाए, अगर हम देखें तो जो गाय के हिसाब से यहाँ पे जो बंदे रखते हैं, वो हर 200 गाय के पीछे एक बंदा एम्प्लॉय होना चाहिए। तो ये यहाँ का एक बेसिक रूल है, रूल ऑफिशियल रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो फार्म्स पे है कि हर 200 का उसके ऊपर एक एम्प्लॉय होता है। और तीसरी चीज़ आती है, जब आप जॉब देख रहे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि वो रोस्टर कैसा सेटअप है वहाँ पे। मेनली जो कैंटरबरी में रोस्टर्स हैं वो 6 दिन काम होता है और 2 दिन छुट्टी होती है। कुछ फार्म्स अब 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी पे आ गए हैं। जैसे कि जो जिस फार्म पे मैं काम करता हूँ, इस पे 5 दिन काम है और 2 दिन छुट्टी होती है पूरा सीज़न में। कई फार्म्स डिफरेंट सिस्टम रन करते हैं। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो काम करते हैं, 8 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी होती है, फिर 8 दिन काम होता है, 3 दिन छुट्टी होती है। और किसी का होता है 7 दिन काम है, 2 दिन छुट्टी है, 7 दिन काम है, 3 दिन छुट्टी है। तीसरा एक बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे जो रोस्टर चलता है, वो होता है 11 दिन काम करना है और 3 दिन छुट्टी होती है, लेकिन उसको वो आगे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 11 दिन लगातार काम करना है, इट्स क्वाइट हार्ड। तो वो क्या करते हैं कि 5 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी करते हैं, फिर 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन छुट्टी करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपको देखना चाहिए अगर अप्लाई करने से पहले या जॉब एक्सेप्ट करने से पहले, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी आती है अपना कि आप पैसे वो कितने पे कर रहे हैं। बेसिक जो यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होती है आज के टाइम पे, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है कैंटरबरी में, जो फार्म असिस्टेंट है वो 50,000+ हाउस से शुरू करता है। तो लगभग 55,000 to 60,000 जो उसका टोटल पैकेज बनता है। और आवर्स कितने दे रहे हैं वो आपको, मतलब कि आपको आवर्स आवरली उनको आवरली शो करना पड़ता है कि आप आवरली कितना पे वो कर रहे हैं आपको। लेकिन आपको भी देखना पड़ता है, कई बार उन्होंने क्या लिखा होता है कि 40 आवर्स पर वीक कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पर आपको लिख कर देंगे, लेकिन वो काम जो है ज़्यादा करवाते हैं जो फार्म असिस्टेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 to 50 या 55 तक भी चले जाते हैं कई फार्म्स। और उनको उस चीज़ में पहले ही आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको किस रेट से वो ओवर टाइम पे करेंगे। और बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं कि अपना क्या कहते हैं, शायद सबको पता ही होगा कि 4 वीक्स की आपकी एनुअल लीव जो पेड होती है, एंटाइटल्ड होती है, और 10 सिक लीव्स हैं शायद, अब पहले 5 हुआ करती थी, अब 6 महीने के बाद अगर कोई सिक है तो आप सिक लीव कर सकते हैं। बाकी अपनी आखिरी बात पे जाते हैं कि आपको कैसे देखना चाहिए कि जॉब आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो उसके लिए मेन पॉइंट ये होते हैं कि आपको देखना पड़ता है कि जॉब जो है किस शेड में है। जैसे अगर हेरिंग बोन शेड में है तो आपको जो मैनुअल लेबर ज़्यादा पड़ेगी, रोटरी शेड में मैनुअल लेबर कम पड़ती है क्योंकि वो आपको एक ही जगह पे खड़े रहकर कप लगाने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा इजी रहता है रोटरी शेड में। और रोटरी शेड में एक और भी फ़ायदा है कि जो उनकी मिल्किंग होती है वो रोस्टर्ड होती हैं, कि आप अगर सुबह मिल्किंग कर रहे हैं तो आपको शाम को मिल्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर कोई दूसरा स्टाफ हैंड ओवर करता है। क्योंकि यूजली जो रोटरी शेड्स होती हैं वो 1 पर्सन शेड होती है, अगर उनके पास कप रिमूवर है, जो कि ऑलमोस्ट सारी रोटरी शेड्स में ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे चलता है। और हेरिंग बोन में कम से कम डिपेंड ऑन द सेड सेड का जो साइज होता है उस पे डिपेंड करता है सारा। अगर 50 साइड हेरिंग बोन है तो उसमें 2 पर्सन हमेशा लगते हैं मिल्किंग करने के लिए। अगर 30 है और कप रिमूवर उसमें है तो उसमें एक बंदे से भी काम चल जाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें ज़्यादा जो है मैनुअल लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। दूसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए कि उस फार्म पे अगर इरिगेशन करते हैं या नहीं करते हैं, अगर इरिगेशन करते हैं तो कौन सी इरिगेशन है वहाँ पे। अगर रोटरेनर्स हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, और अगर पिवट है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, सिर्फ एक प्रेस ऑफ द बटन वाली चीज़ है। और कई फार्म्स जो हैं जो एफ्लुएंट है वो भी पिवट की थ्रू ही डालते हैं फार्म पे, तो आपको वो भी एक जॉब बच जाती है। तो मोस्टली
पिवट वाले फार्म और रोटरी शेड वाले फार्म जो है प्रीटी मच ऑटोमेटेड होते हैं, तो उसमें मैनुअल लेबर बहुत कम पड़ती है।